सो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर एज अ डेसिमल. सो हम इसे डेसिमल में करने के लिए डिवाइड करेंगे. यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 7. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 छोटा है 7 से, ये डिवाइड नहीं हो सकता है. इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे और एक पॉइंट लगा देंगे. इससे क्या होगा, अब हम यहाँ पे इस नंबर के आगे 0 बढ़ा के अपने डिविजन प्रोसेस आगे कर सकते हैं. हम यहाँ पे अब एक आगे 0 लगा देंगे. सो अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारा नंबर 20 हो गया जो कि 7 से बड़ा है. अब हम अपना डिविजन कर सकते हैं. सो 7 टू ज़ा 0 लगा देंगे. बट हम यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ 20 मिल गया है. हमने जब स्टार्टिंग में किया था तो हमारे पास 2 था, फिर हमने पॉइंट लगा के 0 करा था 20. यहाँ पे फिर से हमारे पास 20 आ गया है. तो मतलब अगर हमने और आगे डिवाइड किया तो हमें वैसे ये सब मिलता जाएगा जैसे यहाँ पे मिला है. इसलिए हम यहाँ पे आगे डिवाइड अप नहीं करेंगे. तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे 0.285714. ये भी है एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ऐसे ही चलता जाएगा और ये डिवीजन ऐसे ही होता जाएगा. रिकरिंग भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 20 था स्टार्टिंग में, 2 था, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के 20 किया था, फिर से हमें यहाँ पे 20 मिल गया है. मतलब यहाँ पे ये जो ऊपर हमें क्वेश्चन मिला है ये अब फिर से रिपीट होगा ये पूरा. इसलिए हम यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब ये नंबर फिर से रिपीटेड होते जाएंगे.